तुम धनी मालिक पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। इस्लाम ने तमाम मखलूक को अल्लाह का एक कुंबा करार दिया है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल खल्क रियान हुआ फर हब्बुल खल्क इल्लाह मत अहसन इला रियानी ही। इसी मखलूक को आली मरहूम ने इन अल्फाज में अदा किया है। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक खसानी कुंबा खुदा का। खुलासा ये है कि इस्लाम में हर हाल में अमन इंसा और रहमत और शक्कत की तलकीन की। फर्द जमात को हदूद का पावन बनाया। इस्लाम किसी भी हाल में फितना और ताकतात को बना नहीं रखता। इसलिए तो सरकारी की किसी भी सूरत का ताल्लुक इस्लाम को नहीं हो सकता। यहाँ नाराज है इस्लामिया जो इस्लामी तालीमत के अभी भी अमल में जा रहे हैं। किसी तहफ़ुज़ के बगैर दहशतगर्दी जिम्मेदारी का वाकया जो मैं ऐलान करते हैं। पाकिस्तान की मिल्लत दहशतगर्दी के बारे में अपने इस वादे मौका के इजहार के बाद दूसरी काबिल दौर की जो सूरत हाल है वो इस हवाले से खास तौर पर हमारे मुल्क को पैदा कर दी गई है। जिसका निशाना उम्र से इस्लामिया के उलमा पकड़ा और उन सलामत का तब था कि उनमें से किसी को भी किसी को शक्का न कार्रवाई के सिलसिले में मुलजिम या समर्थन मुस्तरद करार देने के लिए न तो किसी को फिक्र की जरूरत महसूस की जाती है, न किसी अफियात को सामने लाया जाता है और न कराई में सवाल जमा करने की कोई संदिग्ध कोशिश की जाती है। कहिए इन गंदा इंजाम डालने के लिए इसका काफी समझा जाता है कि वो मुसलमान है या उनका ताल्लुक मदारी का किसी भी जमात से है। और अब तो सूरत हाल इस तक संगीन हो गई है कि फिर खुदा परस्त ताकतें तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक मदारी से इस्लामिया से मुंसलिक कर रही हैं। बल्कि बात जरीदा बहन लोगों ने तो मदारी तालीमी को दहशतगर्दी की आकात और उमदा करार दे दिया है। जैसा कि अखबार चश होकर यकसुई के साथ तामीर इंसानियत के काम में मशगूल हो गए। यही काम इन मदारी से इस्लामिया का नस्ब आइन हकुल आइन है जिनको आप दहशतगर्दी का मर रखते हैं। ये मुल्क को अमन पसंद ईमानदार और फरज शरार शहरी फराहम करते हैं। ये इंसान दोस्त की सुलह आश्ती का दर्द देते हैं। यहाँ नफरत नहीं मोहब्बत सिखाई जाती है। यहाँ पढ़ने वाले वकील और एहतान इंसानियत के जज्बात से तैयार होता है। ये वतन दोस्ताना अमन पसंदाना किरदार इसी तरह से फितर इसी तरह से फितर के हामिल है। इसलिए के दारुल देवबंद और दीगर मरकजी मदारिस से जो इदारे काम तैयार हुए उन्होंने अपने अकाबिल की इसी फिक्र को अपनाया और पूरे मुल्क में शराब से शराब चलाने का काम किया और अपनी मुस्बत सोच और आला तरीन के साथ से सबके सबके को मुनवर कर दिया। और हम और अपने बुजुर्गों को पैगाम पैगाम अपना इंसानियत को गांव गांव फैला दिया। इसलिए अगर एक कभी नहीं शायद ये तारीफ की हकीकत है कि यह मदारी सदियों से और गुंडों को वफादार और उलमाए दीन तैयार होते रहे हैं। दीन की वतन दोस्ती हर शख्स को सुबह दुबारा कर रही है और वो अपने वतन के साथ और आला तालीमत के जरिए हर किस्म की बात कर सके कि हिंदुस्तान मुसलमान दहशतगर्दी हमारे वक्त नहीं है। हकीकत यह है कि मदारी का किरदार बिल्कुल आईने की तरफ साफ और सफाद है। यहाँ की नियत से दो चार होते हैं दिल ही तो है न सब वो अपील दर्द से भर रहा है क्यों उलमाए दीन है। अमन इस्तेहकाम के क्याम और बदअमनी के खात्मे के लिए अदल और इंसाफ पर मबनी मुतावियाना सुलूक की जरूरत को आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अगर आप दहशतगर्दी की लानत का मुकाबला करने में संजीदा हैं तो निहाफत की बुनियाद पर किसी भी तफरीक से खुली इज्तिमा कीजिए। हकीकी मुजरिमों को तलाश करके कई बड़े किरदार तक पहुँचाइए और बेकसूरों की आह है नंबर दो और उसके पसमंजर को अच्छी तरह समझिए। वाकिया ये है दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क का मसला नहीं सहयोगियत पर है जिनका वाहिद एजेंडा सहयोगी अदाइन की तकसील है और वो फसाद के अर्के अलमबरदार है। वरना क्या वजह है कि अरबों डॉलर और लाखों फौजी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए झोंक देने के बावजूद आज तक कामयाबी के आसार नजर नहीं आते। उनके मजमून
पसंदाना अदाइन के राम में हायल होने या हो सकने वाला हर शब्द दहशतगर्द है। जब इलाहाबाद गए कि आज दुनिया में दहशतगर्दी की लानत सहयोगी ताकतों के ही दम से जिंदा है, इसलिए उनके करीब एक कारकुन नजर रखने वाले मुबस्सरीन का कहना है कि हमारे बदरियादीन में पेश आने वाली दहशतगर्द हमारी अधूरी या गलत रुख पर होने वाली तहकीकत असल मुजरिमों की पर्दापोशी और बेकसूरों को मुजरिम करार देने की जान इंसाफी का जरिया बनती रही। नंबर तीन, हुकूमत को दहशतगर्दी के मसले से निपटने में इस हकीकत को पेश नजर रखना चाहिए कि तारीख और जुल्म हो, इस तारीख की हकीकत पर नजर रखते हुए कोशिश होनी चाहिए कि हर ऐसा अमल तर्क कर दिया जाए जिसका रद्द अमल दहशतगर्दी की शक्ल में सामने आ सकता है। नंबर चार, किसी एक फर्द या चंद अपराध के तर्क अमल के लिए पूरी कौम को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, वरना दुनिया के तमाम बड़े मजाही और तमाम मजहब कौमों को दहशतगर्द करार देना पड़ेगा जो ये फरमान इस मुल्क की तारीख और सकामतता बन जाएंगे। इन पर भी गौर किया जाना चाहिए।